मेरा नाम है फाइव स्टार। तो क्या हाल चाल गाइस, आज हमारी लॉबी में आए हुए लेजेंड्स लोग, आई मीन लेजेंड डायमंड। तो देखना ये है कि यार उनसे हमारी फाइट होगी या नहीं होगी। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे बंदे उतर रहे थे नोवो में, और ये देखो यहाँ उतरते ही मुझे एसकेएस मिलती है। सो गाइज, इस बंदे को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बंदे थे, मुझे इतने ज़्यादा फुटप्रिंट की साउंड आ रही थी, तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था। अब मुझे यहाँ स्टारल मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको फिनिश करते हैं जाकर। ओके गाइस, तो इस बंदे को काफ़ी लो कर दिया था मैंने, एक ही VSS पड़ी तो नॉक हो गया। अब यहाँ पर जो बंदे हैं देखो भाई, यहाँ पर मेरा किल लेने वाला है बंदा। ओके गाइस, यहाँ मैं बोट को मारने में मसरूफ़ था, और इतनी देर में यहाँ पर बंदा आकर ना घास में लेट जाता है, लूट उठा रहा होता है वो जो बंदा उसने मारा होता है। तो मुझे यहाँ काफ़ी देर बाद स्पॉट होता है यहाँ पर देखो। सो गाइस, अभी इसका एक और बंदा बचा है, वो टावर पे है। सो गाइस, इस बंदे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, तो मैंने कहा चलो पुश करके इसको पेलते हैं। ये गाइस, तो यहाँ पर इसको पड़ जाता है हेडशॉट, तो मुझे इजी हो जाता है यहाँ पर इसको मारने में। तो यहाँ पर इसकी उठाते हैं MK, और अभी यहाँ पर बंदे थे ऊपर, तो यहाँ पर मैं पहले तो नेड करता हूँ, और ये बंदा नेड से डैमेज होगा तो मैं घुस जाऊँगा ऊपर। ओके गाइस, नोवो क्लियर करके मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर एक बंदा ड्रॉप पे लेटा होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो लेजेंड डायमंड है यार, वो लॉबी में अभी भी बाकी है, और भाई तुम्हारा भाई यहाँ पर किल होने लगा है यार उससे मिले बिना ही। तो यहाँ पर बहुत गलत सीन होने वाला है यार, तुम लोग खुद ही देखो मैं कैसे यहाँ पर मर गया।
ओ भाई साहब, पट्टे से हेडशॉट यार। इसको देखने के बाद मेरा दिल किया कि मोबाइल को तोड़ दूँ, फोड़ दूँ और पबजी छोड़ दूँ, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं यार, होता रहता है कभी कभी, तो चलो एक और गेम प्ले की तरफ चलते। और गाइस, यहाँ पर मैं उतर रहा था मिलिट्री बेस, हमारी फेवरेट प्लेस, तो यहाँ पर मुझे यार गन ही नहीं मिलती। पहले तो मैं यहाँ पर गन ढूंढता हूँ। सो गाइस, मेरी छत पे एक बंदा होता है और टावर वाला इसको नॉक कर देता है, तो मैं यहाँ पर इसका किल चुराने वाला हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर दो बंदे कैम करके बैठे होते हैं यार, घंटे से ना मेरे को परेशान करके रखा होता है, मेरे ऊपर पुश नहीं कर रहे होते। दो बंदे होकर भी पुश ना करो तो क्या जिंदगी है यार। तो मैं यहाँ पर नेट ट्राई कर रहा था, फुल बमबाजी कर रहा था कि शायद कोई फूट जाए यार, शायद किसी को कोई पड़ जाए, लेकिन यार ये लोग ना सीढ़ियों के ऊपर खड़े थे एम लेके बिल्कुल, तो मैंने कहा चलो जी अब पीछे से इनको पकड़ते हैं। ओ भाई साहब, ये बेचारे यार मेरे इंतज़ार में खड़े थे, लेकिन कोई बात नहीं यार, कभी कभी पीछे से सरप्राइज मिल जाता। अब यहाँ सामने हेयरिंग आ रही थी मुझे गन साउंड की, और देखो यहाँ बंदा होता है। ओ भाई साहब, इस बंदे ने यार मेरा तराई निकाल दिया है, तो अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर नेट कर रहा था कि नेट लग जाए इसको, और ये बंदा वहाँ से साइड हो जाता है, नेट मिस हो जाता है। कोई बात नहीं यार, अगला नेट तुम देखो कैसे परफेक्ट जाएगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ मैं हीलिंग कर लेता हूँ यार, हीलिंग की बड़ी ज़रूरत होती है, कभी कभी बंदा 1 HP बच जाता है। तो वो देखो भाई क्या ही माल लेके आए हुए हैं, तो यार इससे उठाएंगे M4 अपनी। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा किल फील्ड ही आ जाता है, अच्छा लगता है ना गरीबों के पास M4। तो चलो अब इसको देखते हैं कहाँ है यार, ये बंदा बड़ा सियाना था, तो ये बंदा ना काफ़ी ज़्यादा रोटेट कर चुका होता है यहाँ पर देखो। हाँ ये गाइस, तो ये नेट बहुत ही ज़्यादा कड़क था यार, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। मैं मिलूँगा आपसे एक और नई नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए यार अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।